रबी की अधिकांश अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम डेढ़ गुना तय किया जा चुका है। अब हम बची हुई अधिघोषित फसलों के लिए भी इस संकल्प को एक सिद्धांत की तरह लागू करने का फैसला लिया है। मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि तय किए गए सिद्धांत के अनुसार सरकार ने आगामी खरीफ की सभी अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से कम डेढ़ गुना करने का फैसला ले लिया है। मेरा विश्वास है कि यह ऐतिहासिक निर्णय किसान भाइयों की आय दुगनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हमारी सरकार किसी भी विषय को टुकड़े टुकड़ों में नहीं वरना समग्रता के साथ सुलझाने की अप्रोच के साथ काम करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है, यह अधिक महत्वपूर्ण है कि घोषित एमएसपी का पूरा लाभ किसानों को मिले। इसके लिए यह आवश्यक है कि यदि बाजार के दाम एमएसपी से कम हो तो सरकार या तो सरकार एमएसपी की खरीदी करे या किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत ये सुनिश्चित एवं राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर एक पुख्ता व्यवस्था तैयार करेगा जिससे किसानों को उनकी फसल के उचित दाम दिलवाए जा सकेंगे। फॉर बेटर प्लेसमेंट, बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है। किसान किसी फसल की बुआई के लिए संबंध में अपने निर्णय उनकी कटाई के बाद उसके संभावित मूल्य को ध्यान में रखते हुए करें। सरकार मूल्य तथा मांग के संबंध में पूर्व अनुमान लगाने, भावी तथा वैकल्पिक बाजार के प्रयोग, माल गोदाम निक्षेपण प्रणाली के विस्तार तथा विशिष्ट निर्यात एवं आयात संबंधी उपायों के संबंध में निर्णय लेने हेतु उपयुक्त नीतियों और पद्धतियों को विकसित करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से एक संस्थागत तंत्र सृजित करेगी। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष मैंने ई नेम को सुदृढ़ बनाने, ई नेम के कवरेज को 585 एपीएमसी तक पहुंचाने के संबंध में घोषणा की थी। 470 एपीएमसी ई नैम नेटवर्क से संयोजित कर दिए गए हैं तथा शेष को मार्च 2018 तक इस नेटवर्क से संयोजित कर दिया जाएगा। हमारे 86% से भी अधिक किसान अभी लघु सीमांत किसान हैं। ये हर बार एपीएमसी में या अनेक थोक बाजारों में सीधे अपने उत्पाद को बेचने की स्थिति में नहीं होते। हम मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित तथा उन्नत करेंगे। इन ग्रामीण कृषि बाजारों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा और अन्य सरकारी स्कीमों का प्रयोग करके भौतिक अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई नैम से जुड़े तथा एपीएमसी के विनियमों से छूट प्राप्त ये ग्रामीण कृषि बाजार किसानों को सीधे उपभोक्ताओं एवं थोक खरीदारों को अपने उत्पाद बेचने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। 22,000 ग्रामीण कृषि बाजारों, 585 एपीएमसी में कृषि विपणन अवसंरचना विकास तथा उन्नयन के लिए 2000 करोड़ रुपए की स्थायी निधि के साथ एक कृषि बाजार अवसंरचना कोष की स्थापना की जाएगी। सभी मौसम प्रयोग में लाए जाने वाली सड़क अवसंरचना से युक्त सभी पात्र निवास स्थानों को जोड़ने का काम काफी हद तक पूरा हो गया। इस संबंध में लक्ष्यों को मार्च 2022 के स्थान पर मार्च 2019 तक प्राप्त करना निर्धारित किया गया है। अब ग्रामीण निवास स्थानों को कृषि एवं ग्रामीण बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, अस्पतालों से जोड़ने वाले बड़े लिंक मार्गों को शामिल करके इसकी परिधि को और अधिक सुदृढ़ एवं विस्तृत करने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 में इन सभी लिंक मार्गों को शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना Phase 3 विल इंक्लूड सच लिंक। कहते रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, वैसे ही देश के
में किसी न किसी विशिष्ट कृषि उत्पादन की जाने जा सकते हैं, लेकिन हमने इस पर विशेष ध्यान अब तक नहीं दिया। जैसे उद्योग जगत में क्लस्टर बेस्ड विकास का मॉडल अपनाया गया है, वैसे ही हमारे जिलों में विशेष कृषि उत्पादन पदों चिन्हित पर उन्हें वैज्ञानिक तरीके से क्लस्टर मॉडल पर विकसित करने की आवश्यकता है। कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर